मंगलवार को विकासखंड भरमौर के अंतर्गत आने वाली 31 पंचायतों के प्रधानों की बैठक 84 मंदिर के प्रांगण में हुई, जिसमें 16 पंचायत प्रधानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधान अपनी यूनियन की गठन करेगी, जिसमें श्याम सिंह ठाकुर को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। इस बैठक के बाद प्रधानों ने कहा कि उनकी कुछ एक मांगे हैं जिसे वो विकासखंड अधिकारी के समक्ष रखेंगे, जिसमें मनरेगा कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के टेंडर पंचायत अपने स्तर पर करवाएगी। नंबर दो, लाडा विकास कार्य के लिए लाडा के अंतर्गत पंचायतों के प्रस्ताव भी मान्य होंगे। और तीसरी मांग जो है प्रधानों की, वो ये है कि डिजिटल सिग्नेचर की वजह से 15वां वित्त आयोग रुके हुए कार्य को जल्द शुरू करवाया जाए। बहरहाल कार्यकारिणी का गठन 25 मार्च को होने वाली गोला वन विभाग के विश्राम गृह की बैठक में लिया जाएगा। सर्वाइव कर पाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और ये जो हमारे भरमौर तहसील के अंदर जो है कार्य प्रणाली जो है सफल नहीं हो सकती। दूसरा, जो मनरेगा कार्य एक एक तरह से जो है लेट लतीफी का कारण बना हुआ है। पिछले वर्ष भी 90-90 दिहाड़ियाँ जो है 120 दिहाड़ियों का जो मापदंड है वो पूरा नहीं हो पाया है। उसके अंदर कई तकनीकी खामियाँ, कई जो है ये जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसकी वजह से जो कमी आ रही है, उस पर जो है अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर से जो है गहनता से चर्चा किया गया है। और उसमें पाया गया है कि सचमुच में ऐसी इरेगुलरिटीज जो है कार्य में पाई गई है। उन सारी चीज़ों का भी जो है प्रधान यूनियन जो है विश्लेषण करने की जो है बात करती है। इसके अंतर्गत तीसरा जो है मुद्दा यह उठाया गया कि जो भी पंचायत के अंदर जो भी कार्य होंगे वो जो है एक महीने के अंतर्गत जो है संपर्क किए जाएंगे, ऐसा भी प्रधान यूनियन ने जो है मांग की है। धन्यवाद। ड्राइवर टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।